मैंने शीट निकाली अपनी, उसमें से एक शेयर मेरे को और भी दिख रहा है जहाँ पे आज थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस हैं, वो है आइडिया। मैंने भी लिख रखा आइडिया, ये चल सकता है। 18 तक का मेरा टारगेट है सर, 18 आ जाएगा बस ये बता दो आप, नहीं तो फिर मैं 16 सवा 16 पे माल भेज दूंगा अपना। डिम्पी जी, मुझे आइडिया है कि आपने आइडिया के बारे में पहले भी बोला था, जब आइडिया तकरीबन तकरीबन 14 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, और तब आपने मुझे यही 16 के लेवल के बारे में पूछा था कि आएगा कि नहीं आएगा, और हमने बोला था सर इजीली आ जाएगा, उसमें दो दो राय नहीं है। आज आप 16 के लेवल की बात कर रहे हो, उसके ऊपर 18 के लेवल की बात कर रहे हो। मैं कहूंगा कि सर ये 18 भी क्रॉस कर देगा, 18 क्रॉस करने के बाद ये 23 तक का भी लेवल हमें दिखा सकता है। सो आपका जो लेवल है उसके ऊपर तो मैं स्टिक हुई हूँ, लेकिन अगर ये 18 का लेवल क्रॉस करता है तो 23-24 तक के लिए भी लेवल इजीली क्रॉस कर सकता है। तो मेरा जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है। अगर पोजिशन बनानी है तो बना भी सकते हैं, है तो होल्ड करके चलिए। 18-18 के बाद सीधा 23-24 का लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ठीक है, वैसे हमारा दूसरा टारगेट भी 23 का ही है, बट सर हम पहले 18 की वेट करेंगे। 18 पे हम एक बार मार्केट वार्केट चेक कर लेंगे, इसलिए जिनके पास है वो होल्ड रखें, जिनके पास नहीं है अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करो। मान लो आपने 18 रुपये का टारगेट लगा के इसको लेना है, तो फिर आपको स्टॉप लॉस वैसे ही रखना पड़ेगा कि आपको 2 रुपये चाहिए तो 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखो। अगर आपको ऐसा लगता है ये ऐसे हम नहीं रख पाएंगे, हम तो पिवट पॉइंट्स पर रखते हैं, तो थोड़ा सा आप लेट हुए हो, रुक जाओ, हो सकता है आपको मार्केट एक अपॉर्चुनिटी दे दे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं देखा ही, बट दे भी सकता। आगे बढ़े, कुछ एक शेयर्स आज चेक कर लेता हूँ। आज मेरे को ना सिर्फ एक ही चीज़ की और प्रॉब्लम हो रही है मार्केट के अंदर, तेज़ी वाले शेयर्स दिखते रहे हैं लेकिन अब ज़्यादा स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट के साथ नहीं दिख रहे, यानी कि उनमें वॉल्यूम नहीं है। प्राइस एक्शन अच्छा है, वॉल्यूम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक शेयर दिखाता हूँ, मदरसन दिखाएंगे एक बार आप, उसकी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना, मदरसन संवर्धना उसकी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना। प्राइस एक्शन बहुत ज़ोरदार है, 3% शेयर ऊपर होगा, लेकिन बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए 3.5%, ये संवर्धन सन मदरसन के नाम से आपको शेयर मिलेगा, ये 3.5% ऊपर। एक बार ज़रा देख के बताएंगे सर क्या करना चाहिए इस पर। अंशुल जैन आप ज़रा चेक करना इस पर, इसका फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। देखिए डिब्बी जी, मदरसन पे हम काफी बुलिश हैं। हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है 123 ऑड लेवल से, क्योंकि मंथली चार्ट पे इसका ब्रेकआउट था और बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। 2017 के बाद से ये लगभग 7 साल का ब्रेकआउट है। टारगेट इस ब्रेकआउट का लगभग 300 रुपए है और ये इनिशियल मूव ही दे रहा है, तो यहाँ से 175 से 180 का जोन है जहाँ पे जाके थोड़ा सा ये अटकेगा, प्रॉफिट बुकिंग देगा नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव के पहले। तो यहाँ से अगर मोमेंटम प्ले करना है तो लॉन्ग कर सकते हैं, 174 से 180 तक का टारगेट रहेगा। छोटा सा डिस्काउंट भी आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी के अंदर आया हुआ है, और ये डिस्काउंट करीब करीब 10 पॉइंट का है अगर आप फ्यूचर्स में चेक करेंगे तो। ठीक, बस थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। आज मैं जो 23,200 की कॉल पुट मैंने लगा रखी थी सुबह से ही, उसके अंदर कॉल्स का कोई बहुत तगड़े वाला प्रीमियम नहीं है। 13 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी का देखोगे सिर्फ 10 ही% बढ़ी हुई है। दिखा सकोगे प्रोड्यूसर साहब आप, 23,200 की जो कॉल है उसका जो आज ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ। बस मैं कुछ सतर्क रहने के लिए कह रहा, और कुछ भी नहीं। मैं आपको, मैं नेगेटिव वेगेटिव नहीं हूँ मार्केट के अंदर, बट मैं थोड़ा सतर्क ज़रूर रहूँगा क्योंकि मेरे को जो दिख रहा है इस मार्केट के अंदर वो प्राइस एक्शन तो दिख रहा है बट बिना वॉल्यूम बिना मेजर सपोर्ट के दिख रहा है वो। आगे बढ़े, एक दो शेयर मेरे पास और है, जरा मैं वो और पता कर लेता हूँ सर से क्या करना चाहिए। गौरांग सर, ये जितने भी आज गैस वाले स्टॉक्स हैं चल रहे हैं, इस पर आपका टेक क्या है सर? आज एक रिपोर्ट भी है, ज्यादातर शेयर्स पे तेजी बताई गई है। तो डिम्पी, जीएसटी के अंदर आने की बात गैस कंपनियों के और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेचुरल गैस के दाम स्थिर होना, खपत को लेकर के सिर्फ कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस नहीं लेकिन जो पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस है जो घरों तक जाती हैं और अपने किचन में ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं, उसकी नेटवर्क बढ़ने से और ग्लोबल, माफ कीजिएगा, लोकल स्तर पर जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ढांचा सुधारने का प्रयास हुआ है, आईजीएल महानगर गैस लिमिटेड, गुजरात गैस और पेट्रोनेट एलएनजी इंक्लूडिंग एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड, ये चारों पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की जा रही है।
तो खरीदारी की रिकमेंडेशन आपको मिली गई है, आगे बढ़े। अब जरा आपको मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज भी दिखाता हूँ, वो करीब 1.5% ऊपर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1.5% ऊपर है, जबकि HDFC बैंक के अंदर लाल निशान है। अभी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको पहले पैसे, वो भी दिखाता हूँ, टाटा कंज्यूमर्स एक बार शेयर दिखाना, टाटा कंज्यूमर्स, और एक शेयर दिखाओ इंडिया सीमेंट, और एक आइडिया भी दिखा सकते हो, आइडिया, ये तीनों शेयर्स दिखाओ एक बार। अंशुल जैन एक बार जो आप तो जरा चेक करो, आइडिया, तो सॉरी आइडिया कह रहा हूँ, ये इंडिया सीमेंट, इंडिया सीमेंट जरा चेक करना, ये शेयर ठीक लग रहा है क्या, फिर टाटा कंज्यूमर भी आपसे पूछूंगा। बिल्कुल डिम्पी जी, इंडिया सीमेंट काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसमें 10 महीने के लोस के नीचे फेल्ड ब्रेकडाउन दिया है, वीक लॉन्ग्स कंप्लीटली शेकआउट हैं, 2 हफ्ते का हाई जो है 219.50 के आसपास है, 219.50 निकलते से स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, 233 रुपये का इनिशियल टारगेट रहेगा। तो इस स्टॉक को प्रीएम्प्टिव बाई करने की जगह ब्रेकआउट पे बाई करना चाहिए 219.50 के ऊपर। मैं इस बीच आपको इंडिया विक्स बता देता हूँ, वो करीब 1.5% बड़ा है। अब बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी लाल निशान में आ गए। कई बार होता है ना, आपको ग्लानी सी फील होती है, जैसे मेरे को आज सुबह बड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था, मैंने आपसे कहा कि भाई मैं तो प्लस नहीं करूँगा, और मैंने आपको अपने इंटेलिजेंस के साथ बताया कि भाई मेरे को, मेरा कम्फर्ट नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट ने देखते ही देखते 30 पॉइंट की बढ़त को उसने 130 पॉइंट की बढ़त कर दिया था। तो मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे कैलकुलेशंस गलत होती हैं, या कैसे आपको, हमारा तो हुआ, हमने एक्सेप्ट भी किया, ऑन एयर एक्सेप्ट कर लिया कि आज हमारी कैलकुलेशंस ठीक नहीं बैठी, लेकिन धीरे धीरे करके बाज़ार ने उस सबको रिस्पेक्ट किया और वापस देखे, प्रॉफिट बुकिंग आई, निफ्टी के फ्यूचर्स, निफ्टी के स्पॉट दोनों लाल निशान में आ चुके हैं, और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट लाल निशान की तरफ आए। ऐसा नहीं कि बाज़ार बहुत तेज़ से वीक हो रहा है, बट मेरा कम्फर्ट नहीं आ रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी को खरीदने का, मैंने वजह आपको बहुत साफ साफ बता दी है, मेरे को कंटिन्यूटी इफेक्ट 2 दिन चाहिए और FIs भी चाहिए, नहीं मिलेंगे तो फिर मैं वापस नहीं बाय कर पाऊंगा। अब मैं आपको अलग अलग स्टॉक्स तो पूछ ही रहा हूँ, टाटा कंज्यूमर्स एक बार अंशुल जैन आपको और चेक करना होगा, टाटा कंज्यूमर्स डेज लो पे और टूटेगा क्या? टाटा कंज्यूमर में एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, ये उसके करेक्शन में है। मंथली अगर VWAP देखें तो 1120 रुपए के आसपास है, जो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। 75 मिनट पे फ्लैग पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। फिलहाल 10 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, तो शॉर्टिंग का कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। 1145 निकलता है तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, 1185 टारगेट रहेगा। अगर देख रहे हैं स्टॉक को तो 1145 के ऊपर ब्रेकआउट देखना चाहिए। पंचाल से पता करते हैं, मितेश जी आपने कोई शेयर देखा है क्या? डिम्पी जी, कैश के सेगमेंट की बात कर रहे हो आप? कोई भी हो, कैश हो, फ्यूचर हो, कोई भी हो। हाँ, एक्सिस बैंक यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक 1200 का जो लेवल है वो डिफेंड कर रहा है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है कि आज इंट्राडे में और 1 या 2 दिन की अवधि के लिए एक्सिस बैंक बहुत बढ़िया रहेगा। 1180 का स्टॉप लॉस आप लगाइए, 1180 का, इंट्राडे में आज 1230 1250 तक ये स्टॉक जा सकता है।